टोकन ऑफ लव में मैंने एक छोटा सा गिफ्ट ले भाई, थैंक यू, ले जियो भाई कनाडा। तो गाइस पहली अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, सेकंड अनाउंसमेंट आप करना। तो पहली अनाउंसमेंट ये है कि हम एक कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस कल रात हम पहुंच गए थे, बढ़िया हमने उसका रेस्ट किया। और आज जैसे ही हम सुबह उठे ना और देखते हैं कि भाई सिलेंडर है खत्म, तो ब्रेकफास्ट हमारा थोड़ा डिले हो गया है। तो अभी बस पापा गए सिलेंडर लेने, तो बस सिलेंडर जैसे ही आएगा फिर अपना कुछ बनेगा। भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, पर क्या कर सकते हैं, सिलेंडर का तो अब बैकअप है नहीं अपने पास अभी। तो आ जाइए पापा कुछ देर में, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो पापा आ गए सिलेंडर लेके, सुबह सुबह हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था। तो अर्ली मॉर्निंग लो पापा पनीर भी लाया, थैंक यू। किसका, सेवी का? आ जा पनीर। मेरे को खुद लग रही है यार, ऑफिस की मीटिंग लगा के फ्री हुआ था मैं अभी। चलो अब आज हम एक अनाउंसमेंट भी करनी है। हाँ, आज हमने एक अनाउंसमेंट करनी है और बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट हमने करी है गाइस। तो वो क्या है वो तो आपको ब्लॉग के एंड तक बने रहना पड़ेगा और ऐसे ही प्यार बना के रखना पड़ेगा। जो आगे भी हम करने जाएंगे उसके लिए भी ऐसे ही प्यार बनाए रखे। तो ये हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। तो होप आप लोग इसमें भी उतना ही प्यार दिए जितना हमें अभी तक मिल रहा था, है ना? यस मैम। बाकी आप अभी पनीर बनाओ जल्दी से, हमने बाहर भी जाना है और किसी को हमें कुछ पकड़ाना भी है। मिलेगा हमें? पता नहीं, अभी मिलेगा या शाम को मिलेगा। कैसा बना है? मतलब इतने दिनों बाद मम्मी याद का खाना खा रहे थे ना, आज चार दिन बाद मेरे याद का खाना खाने को मिल रहा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप कहीं खाना बनाना बोल तो नहीं गए? क्यों, अच्छा नहीं बना पापा? नहीं यार, बढ़िया बना है। एक तो ब्रेकफास्ट अपना लेट हो रहा है सिलेंडर की वजह से, उसके बाद फिर अब खाना मिल रहा है तो मेरे को तो टेस्टी लग रहा है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजेदार है, अच्छा बना है पनीर ऐसा बोलो, बहुत टेस्टी है, बहुत ही अच्छा। तो गाइस हमें लेट हो रही है और जी इनको देखो क्या पकड़ा हुआ है, क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली हम कनाडा के लिए कुछ गिफ्ट भिजवाने का सोच रहे, मतलब मैंने सोचा सुबह सुबह एक आइडिया। तो जो बैग्स हम लेके आए थे पिछले कल, तो वो बैग जाने हैं कनाडा। तो उसके साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक टोकन ऑफ लव अपनी भांजी के लिए भेज दूँ। ब्रदर रोहिणी दीदी को भी अच्छा फील होगा, जीजू को भी अच्छा फील होगा। तो ये कुछ छोटा सा टोकन ऑफ लव है। हाँ। रोहिणी दीदी अपने ब्लॉग में दिखाएंगे अगर दिखाना चाहे, अगर नहीं दिखाना चाहे तो कोई बात नहीं। बट ये हमारी तरफ से प्यार है। तो मेरे दिमाग में एकदम आइडिया है कनाडा कैसे पहुंचाया जाए सामान। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा आइडिया कि उनके बैग्स भी चल जाएंगे, बाकी जिन्होंने लेके जाना उन भाई से एक रिक्वेस्ट जरूर कर लूँ कि भाई एक छोटा सा बैग है, बैग भी क्या छोटा सा एक पार्सल जैसा है जो लेके जाना है। तो अभी मैं बस रेडी हो रहा हूँ, अंजना की तैयारी है, अभी थोड़े बहुत काम है वो करने और हम लेट हो रहे हैं। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करो। ऑल डन डन। टोकन ऑफ लव में मैंने एक छोटा सा गिफ्ट, एक वेदा के लिए, एक उनके मम्मी पापा के लिए और एक कार्ड, रोहिणी दीदी स्पेशल कार्ड फॉर यू गाइस और वेदा के लिए। तो ये इतना सा पार्सल है, अब वो भाई ले जा पाएगा कि नहीं पूछ लूंगा, अगर ले जा पाया तो वेल एंड गुड, वरना जब रोहिणी दीदी यहाँ आएगी तब देगी। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि कनाडा पहुंचे उनके आने से पहले, उसके लिए आपको जल्दी तैयार होना पड़ेगा वरना बैग। क्योंकि मैं कब से क्या और ध्रुव पता नहीं कब से क्या करने लगा है ये, बट इसने बहुत मेहनत करी है इस चीज के लिए। तो होप रोहिणी दीदी और जीजू को बहुत अच्छा लगे। चलो मैम रेडी हो ना, बॉटल रहेगी, बॉटल भी चख लो। हम अभी आए, ठीक है आगे बस थोड़ा सा काम है छोटा सा वो करके आए। भाई साहब धूप देखो कितनी खतरनाक धूप है, आज तो मरने वाले हम गर्मी में। आज हमने ब्लैक पहन लिया, चलो क्या कर सकते हैं, काम तो वैसे इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। मेन तो ये है, ये पहुंचाना है मुझे है, और मेरे फोन में पीछे दिखाऊंगा क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ इसके फोन में वो लकड़ी जैसी बस गई, पता नहीं कैसे गांव में क्या कर रही थी ये। गाइस अभी दो काम इम्पोर्टेंट है, एक तो इससे लकड़ी निकालनी है, इफेक्ट ना कर जाए फोन में भी। मेरे पास बहुत पुराना और बहुत प्यारा फोन है मेरा, ये एंड्रॉइड, इवन आई हैव आईफोन बट मेरे को ये बहुत प्यारा एंड्रॉइड फोन अपना, ये इसका पहला फोन है शायद, पहला फोन है और मेरी पहली सैलरी से था ये मेरा फोन, तो संभाल के रखा है इसने, इसलिए अंजना दो फोन रखती है एक भी नहीं, दो फोन रखती हूँ मैं। और उसके बाद ना ध्रुव मुझे बैंक जाना है क्योंकि मेरे ना पैसे कट हो रहे हैं यार। अच्छा मैं समझ ही नहीं आ रहा क्यों कट हो रहे हैं। चल चल पड़ेगी, पासबुक लाइए तो साथ में, पासबुक तो
पक्का? चलो कहीं वो पासबुक ना मांगे मेरे को, क्योंकि वो डाउट है। वो मेरे ना सैलरी अकाउंट था, तो मेरे को लग रहा है मेरे को अपने दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, अभी पहुंचते हैं जरा बाहर ना, एक अनाउंसमेंट भी करनी है हमने। हाँ। हमने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी बताया था। हाँ। तो उसके लिए जुड़े रहे, बने रहे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। 50K सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट करने हैं बहुत जल्द। अब अब देख लो 49.1 तो हो गए हैं, अब 2 होने वाले हैं हम ऑलमोस्ट। मतलब हमें ना 800-900 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 50K हो जाए ना एक बार तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वैसे तो 1 लाख टारगेट है, बट पहला पड़ाव भी हो जाए पूरा तो वो भी हमारे लिए 50K बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी हमारे लिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स, मतलब एक एक सब्सक्राइबर जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोग जुड़ रहे हो, प्यार दे रहे हो, उससे बहुत अच्छा लगता है। तो आगे भी बनाए रखे तो हमें और अच्छा लगेगा। हाँ जी। बस आप पे डिपेंड करता है सब कुछ। ले भाई थैंक यू, ले जियो भाई कनाडा, ठीक है? पक्का? पक्का, आराम से पहुंच जाएगा ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो जब तक अंजन आप काम कर रहे थे तब तक मैंने भिजवा दिए वो बैग और गिफ्ट। मैं वही सोच रही हूँ कि कहाँ बैग हो गया एकदम से। चलो अब अपने मतलब दो मेन काम तो हो गए, अंजना का भी हो गया काम, मेरे को जो गिफ्ट पहुंचाना था और बैग पहुंचाना था वो भी हो गया। मेरा बैंक का काम हुआ है, मेरा फोन का काम अभी भी रहता है। अभी अब करना है अंजना के फोन का काम। और आज का काम हमारा यही था बाहर, है ना ध्रुव? मेन तो यही था भाई साहब, मेन तो यही था। अच्छा आपने दे दिए, वो क्या बोला उन्होंने? बोला कि वो ले जाएंगे बैग? बोल तो रहे भाई कि ले जाएगा। हाँ बैग के अंदर ही डाल दो यार उसको। मैंने बोला कि भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आराम से ले जा सकते हो तो ले जाओ। तभी मैंने ना एक छोटा सा पैकेट बनाया, क्योंकि मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ यार इतनी दूर ले जाना। पहले अपना लगेज बहुत होता होगा, उसके बाद भाई अकोमोडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ। चलिए मैम VIP रोड आपको घुमाए हम, यहीं पे सामने ना एक दुकान है मोबाइल्स की, तो मैं हम यहीं आते हैं अक्सर, तो यहीं से इसका ठीक करवाते हैं फोन। दो मिनट में हो गया आपका फोन ठीक? अरे नहीं ऐसे वैसे ट्रुक कर दो जैसे निकालना, मुझे लगा कैसे घुस गया। नेक्स्ट टाइम से ना ध्यान रखना है फोन का, ऐसे नहीं कि हम शेक पी सकते हैं। शेक की लेमोनेड, लेमोनेड पीते हैं यार, शेक से ना थोड़ा सा मोटापा आता है। मैंने थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, मैंने सोचा कि दूध वाली आइटम्स थोड़ा कोशिश करूँगा कि अवॉइड करूँ, तो लेमोनेड विल बी बेस्ट ऑप्शन। गर्मी भी है, थोड़ी गर्मी भी कट जाएगी, इसको पकड़ लो आप। पर हम सोच रहे कि कल से हम जिम शुरू करते हैं, जिम नहीं तो घर पे ही अच्छा वर्कआउट शुरू कर देते हैं सुबह शाम। हाँ 30-30 मिनट्स देंगे हम दोनों मिलके करेंगे, मतलब 8 से। अब हमारा सीरियसली बोलो गाइस, ये अपना ना कपल गोल है दोनों का कि भाई अब फिट होना है, बहुत हो गया यार, अब हम ट्रांसफॉर्म होके दिखाएंगे। अब हमें खुद भी लग रहा है कि हम मोटे हो गए हैं, अभी तक आप लोगों को लग रहा था, आप लोग बोले थे मोटे हो गए, अब हमें भी फील हो गया है। मुझे तो बहुत फील हो गया कि हम मोटे हो गए, तो अब हमें पतला होना है, ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट है। नेक्स्ट इवेंट जो भी आने वाला है ना हमारी फैमिली में, उस तक हम कोशिश करेंगे कि हो जाए बस। हाँ और जो मेरी मैंने जो मतलब अक्षय भैया की रिसेप्शन में साड़ी पहनी थी, मेरा तो वही टारगेट है वो मेरे को फिट आ जाए। तो यहाँ अभी हमने लेमन सोडा का ऑर्डर दे दिया है, हल्का सा लेमन सोडा पिएगे और फिर नठेगे और नठेगे, और अभी से मैंने तो शुरू कर देना है एक्सरसाइज करना। घर जाती इतना ज्यादा फोकस फोकस है भाई, कल से करेंगे, कल से। हाँ, कल से हम प्रॉपर करेंगे, क्योंकि अब हमारा कहीं ट्रिप भी नहीं अभी फिलहाल के लिए, माउंटेन के और तो नहीं है, कहीं बाहर चले गए तो अलग बात है ना, वो प्लान अलग है। और मैंने आज घर जाके पासपोर्ट का भी देखना है यार प्रोसेस। हाँ एक्चुअली सीन ऐसा है ना यार, हम चाहते हैं कि अपनी बाहर ट्रिप करके आए, क्योंकि बड़ा मन है हमारा बाहर ट्रिप करने का। एक बार हम पिछली बार हम गोवा गए थे, इस साल हम कहीं गए नहीं, तो हम ना एक बार बाहर जाना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले साल सोचेंगे। बट इस साल हमारा वैसे टारगेट तो है, बाकी भगवान के है। हाँ। अगर हमारा बन गया प्लान तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ जी मैम, मिली ठंडक थोड़ी? ठीक है ना, मैंने सोचा कि भाई शेक से अच्छा यही रहता लेमन सोडा। हाँ, बढ़िया ठंडक, ताजगी भाई। मोतियाज में ना एक नया बन रहा है कुछ, ये शेड जैसा पता नहीं क्या चीज है, तो वन साइडेड ही खुला है दरवाजा। मोतियाज में भी कुछ ना कुछ नया होता रहता है,
अभी शायद कुछ टाइम में पेंट भी शुरू हो जाएगा। ग्रुप में मैसेज पड़े जो माइगेट ऐप का होता है ना, अब लेट्स सी पेंट होता कि नहीं होता है। तो अगर आपको अर्जेंट काम हो तभी आप बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज तभी निकलना चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए। टैनिंग अलग से होगी, चक्कर अलग से आएगी, गर्मी इतनी ज्यादा है कि भाई बाहर ऐसे तो रह नहीं सकते, अंदर इतनी लगती है गाड़ी में। पहाड़ों में ठीक है यार मौसम, सही बात है यार। हेलो माय डियर, आ गए हम, बोला था ना जल्दी आ जाएंगे। कभी तो ओमो बच्चू, ओ मेरा सीवी, आजकल इसने हाई फाई भी नहीं किया किसी को, है ना। सीवी थोड़ा सा हाई फाई कम कर रहा है, अभी नाराज है गाइस हमारे सीवी ना। हाँ कपड़े धोने को बहुत सारे हो गए। नाजू 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 थोड़ा सा भी अभी तो सोया हुआ था अभी तक तो बेचारा। तो गाइस अब हम सोच रहे हैं जो हमने मतलब अनाउंसमेंट करनी थी। पहले तो गाइस पहली अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, सेकंड अनाउंसमेंट आप करना। तो पहली अनाउंसमेंट ये है कि हम एक फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं 3 महीने लगातार डेली व्लॉग्स डाल के। तो हम फेब से डाले लगातार, फेब के मंथ में पूरा डाला, मार्च के मंथ में पूरा डाला, अप्रैल के मंथ में पूरा डाला, और अब आ चुका है मई। तो अब सेकंड अनाउंसमेंट अंजना करेगी, बट बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि यार हमने 3 महीने तक लगातार डेली व्लॉगिंग करी है। और अगर आपका प्यार नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ध्रुव का भी वर्क फ्रॉम होम था तो हमने सोचा कि डेली व्लॉगिंग करते हैं, बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमें बहुत मज़ा आया डेली व्लॉगिंग करने में। बट नाउ थोड़ा ऐसा हो गया गाइस कि अब हमें थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, मतलब हमें थोड़ा जिम जुम स्टार्ट करना है, और ऊपर से ध्रुव को वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू होने वाला है, मतलब बीच बीच में ध्रुव को ऑफिस भी जाना पड़ेगा और मेरी भी मे बी क्लासेस शुरू हो ही जाएगी उस टाइम में। तो हम सोचते हैं कि शायद हम डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस हम नहीं चाहते कि हम आपको रोज वही कंटेंट दिखाए कि यार ये तो हम भी इस चीज से बोर हो चुके हैं, और ना हम आपको बोर करना चाहते हैं, ना हम आपको बोर करना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हमारे ब्लॉग आएंगे गाइस इस 9:01 पे जब आते हैं वैसे ही आएंगे, बट अल्टरनेटेड डेज पे आएंगे, जैसे हमारे पहले आते थे, मतलब डेली ब्लॉगिंग से पहले एक दिन छोड़ के आते थे। तो हम चाहते हैं कि हम अभी वैसे करें, हाँ जब हमें लगेगा कि हम फ्री है या हमारे पास कंटेंट है तो हम मतलब आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे। ऑब्वियसली डेली भी आ सकते हैं कभी, बट अगर डेली कभी नहीं आते तो अगले दिन जरूर ब्लॉग आएगा, इतना पक्का है, इतना ये हमारा प्रॉमिस है इतना पक्का है। बट अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाले और थोड़ा सा मतलब अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे, और थोड़ा बाकी चीजें भी हमने करनी है, लाइक जैसे ध्रुव का ऑफिस में को भी अपना कुछ करना है, तो सारा बैलेंस बन के चले तो सब सही रहता है। तो होप आपने जैसे डेली व्लॉगिंग में हमें प्यार दिया है, हम आप लोग हमें इसमें भी इतना ही प्यार दे और ऐसे ही बने रहे जैसे अभी तक बने हुए थे। और गाइस 50K का जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर दो तो मतलब हम बहुत अच्छा लगेगा हमें कि मई में हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा, है ना ध्रुव। yes. बाकी गाइस अंजना ने जैसे बोला कि ऑल्टरनेट डेज में ब्लॉग आएगा ही आएगा, बट कभी अगर डेली भी आ रहा होगा तो समझ आना कि ये आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से छोटा सा। हाँ। और हम कोशिश करेंगे जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए, क्योंकि यार देखो आप भी सच्चे होगे, आप भी चाहोगे कि अच्छा कंटेंट, बट लाइफ में ना हमेशा हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो इसीलिए हमने सब कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये निर्णय लिया है। हाँ। और गाइस वैसे भी हम मतलब जो भी है जो होता है वही दिखाते हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, अगर तो स्क्रिप्टेड होता तो इसमें कुछ भी मिर्ची मसाला डाल सकते हैं, जो होता है हम वैसे ही दिखाते हैं। तो वैसे ही आप हमें प्यार करें तो हमें अच्छा लगेगा, एंड आप प्यार करते भी हो गाइस, जो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं हम चाहते हैं कि और भी लोग हमें प्यार करें और थोड़ी फैमिली बड़ी कर दे और हमारा ऐसे ही मोटिवेशन बढ़ता रहे। आई होप आपका ये डिसीजन हमारा आपको भी सही लगे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ध्रुव के लिए जॉब भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल पेट का सवाल है बाबू भैया। जिस दिन हम मतलब अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उस दिन हम कुछ ना कुछ और नया। हाँ यार बहुत मजा आया डेली व्लॉग्स करने में ना, मतलब फील ही नहीं हुआ एक बार भी कि हम डेली व्लॉग्स कर रहे हैं, पर अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं डेली व्लॉग से। बाकी जो आपको लग भी रहा है ना कि हाँ यार बहुत मोटे हो गए, तो अब हम इस पे भी काम करना चाहते हैं कि हम पतले होना है बहुत। हाँ, जल्दी बिल्कुल, ताकि आप लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या और कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ नहीं है अभी हमने फिट होना है और अपने आप को स्टेबल और सेटल करना है, ना ही अभी ऐसा कोई प्लान है हमारा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, फिर आगे जब होगा कभी फ्यूचर में वो हमें पता नहीं, बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि ऐसा कुछ है। बाकी आप अपने सजेशन हमें कमेंट्स में दे सकते
सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हो हमारे से। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जितना बेस्ट हो पाए हम दे, बाकी आप करें ब्लॉग एंड। तो गाइस अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। वी होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। देखते रहे ध्रुव वंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।